नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रनर्स एजुकेशन पॉइंट पर अप्रैल में आएगा पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज की इस वीडियो हम आपको एम पी एग्जाम के अपडेट देने वाले हैं आठ जनवरी से प्रारंभ हुई पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है सत्रह फरवरी से की लास्ट डेट थी यह सैंतीस दिन चली है संभवतः अप्रैल में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा स्पर्धा घटने से बहुत बड़े अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिल गई है एक तो उनका कंपटीशन कम हो गया दूसरा पदों में भी वृद्धि हो गई है चार हजार से छः हज़ार हो गए थे बारह लाख में से साठ फीसदी ही शामिल हुए हैं इधर राहत की बात यह भी है कि दो हज़ार नए पद मिल गए हैं कुल छः हज़ार पद हैं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे इधर बड़ी बैठक होगी भोपाल में पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बड़ी बैठक होगी इंदौर में है परीक्षा तेरह सेंटरों पर हुई थी प्रदेश भर में कुल तेरह शहरों में सैंतीस दिन तक चली परीक्षा इस दौरान बारह लाख सत्तर हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने थे मगर कोविड वगैरह की स्थिति के कारण एवं अन्य कारणों से चालीस फीसदी नहीं आए एम ने दो में एम पुलिस की चार कांस्टेबल जी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी कुल चार हज़ार वेकेंसी में से तीन हज़ार आठ सौ बासठ पद जी डी कांस्टेबल और एक सौ अड़तीस पद डी डी कांस्टेबल के थे हालांकि कुछ दिन पहले दो हज़ार नए पद जुड़ गए हैं इस बार पीई की सबसे बड़ी चिंता मुन्ना भाइयों की थी कुछ पकड़े भी थे इसके अलावा पर्चा आउट ना हो इसे लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे पुलिस स्थानीय प्रशासन के साथ ही कई एजेंसियां परीक्षा पर निगाह रख रही थीं साथ ही साथ हम आपको बता दें यदि आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए हस्तलेखा नोट्स परचेज करना चाहते हैं यदि आप एक हज़ार रुपये तक के नोट्स लेते हैं तो आपको हम हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे साथ ही साथ एक प्रमुख बात है कि हमारे अभी नए नोट्स हैं पेपर थ्री यूनिट टेन के भूगर्भ शास्त्र के जो कि हस्तलेखा तो है तो टॉपर्स के द्वारा आए हैं और नए भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सत्तर सात पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और सैंतीस दिन चली एग्जाम खत्म परीक्षार्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो जिन जिन अभ्यर्थियों के अच्छे एग्जाम गए हैं वे तो अपनी शारीरिक दक्षता की तैयारी में लग जाएं तो उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा इस पर घटने से बहुत बड़ी राहत बारह लाख में से साठ फीसदी शामिल हुए इधर दो नए पद मिल गए बार बार टल दी गई थी हालांकि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा लिखित परीक्षा छः अप्रैल दो से राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शुरू होनी थी लेकिन कोविड नाइन्टीन की दूसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ फोटो युक्त तो पहचान पत्र अनिवार्य था आधार अनिवार्य था इसके साथ अभ्यर्थी वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इनमें से कोई एक ला सकती थी परीक्षा में दो प्रश्न पत्र थे पहला प्रश्न पत्र कांस्टेबल जी डी भर्ती के अभ्यर्थियों को हल करना था जबकि कांस्टेबल डी डी पद के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्र हल करने थे दोनों प्रश्न पत्र सौ सौ नंबर के हुए और दोनों के लिए दो दो घंटे का समय दिया गया था इस प्रकार से परीक्षा हो चुकी है लेकिन अब अभ्यर्थी सारी दक्षता की तैयारी में लग जाएं और अप्रेल में एस का रिजल्ट आना उसके बाद जल्द से जल्द जल आपकी नियुक्ति होगी आपके लिए सुनहरा अवश्य है क्योंकि 40 फीसदी स्टूडेंट तो देने ही नहीं आए और साथ ही साथ दो हज़ार पदों की वृद्धि भी हो गई है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सफलता प्राप्त हो यदि आप एम पी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ हमें फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे जो नोट्स है वहाँ से लिखित है टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और जब जब भी हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हमारा मार्गदर्शन हमेशा आपको प्राप्त होगा